ओके आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे हाउ टू रन लूप फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। अगर आपको लूप को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम चलाना है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आपको 2 बार चलाना है, 3 बार चलाना है, 5 बार चलाना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको लूप कंटिन्यूअसली चलाना है, तो आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपको बोला जाए कि 5 बार आप लूप चला के कंसोल पर आप हाई प्रिंट करके बताओ, 5 बार आपको हाई प्रिंट करना है, तो आपको एक नंबर पता चल गया कि मुझे कितनी बार प्रिंट करना है, 5 बार प्रिंट करना है। तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ टाइम्स लूप इटरेट करने का काउंट आपको पता है। तो आज की कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपको लूप चलाना है तो आप कैसे चलाओगे पाइथन के अंदर, तो आज की क्लास वो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। यहां पर हम रेंज फंक्शन को यूज करेंगे। रेंज फंक्शन के 3 फॉर्मेट हैं, नाम सेम है मगर एक्चुअल आर्गुमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। सेम नाम से अलग अलग तरीके से वो बिहेव करेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। ऊप्स के अंदर इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जैसे हमने ऊप्स के प्रिंसिपल पढ़े हैं, ऊप्स के प्रिंसिपल में अगर मैं यहां पर गूगल पे जाऊं और ऊप्स के प्रिंसिपल लिखूं, ऊप्स प्रिंसिपल, ठीक है ना, ऊप्स प्रिंसिपल, यहां पर आप जाना, ऊप्स के प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल, ऊप्स के हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि ऊप्स के प्रिंसिपल हमने पढ़े हुए हैं, यहां पर अगर मैं जाके कहीं बताऊं आपको, तो ऊप्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल हमारा कौन सा होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जैसे कि आपने ऊप्स में सीखा है क्लास क्लास बनेगी तभी ऑब्जेक्ट बनेगा, और एक से ज्यादा क्लासेस में अगर चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप आ जाए तो वो वहां पर तीसरा प्रिंसिपल आप इस्तेमाल करने लग जाते हो, इनहेरिटेंस। आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक एक ही नाम है फंक्शन का और उसको अलग अलग तरीके से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पर आज आप पीपीटी में देखो, रेंज फंक्शन के 3 अलग अलग फॉर्मेट हैं। एक रेंज फंक्शन को आप एक ही आर्गुमेंट पास करके अगर आप करेंगे तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। रेंज फंक्शन को अगर आप 2 आर्गुमेंट पास करके करोगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। अगर रेंज ही फंक्शन को आप 3 आर्गुमेंट के थ्रू पास करोगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो सेम नाम के फंक्शन में आप अलग अलग आर्गुमेंट पास करके पॉलीमॉर्फिज्म आपका आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो यहां पर मैं पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल अगर मैं लिख के अगर यहां पर मैं बात करूं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या क्या है, जैसे कि इस इमेज के थ्रू हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस इमेज के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म हम करते हैं कि जैसे कि हम हैं, तो हम जो हैं किसी जमाने में हम स्टूडेंट्स थे, वही स्टूडेंट्स आगे चल के एक ऑफिशियल पर्सन बनता है, हम एक फैमिली मेंबर भी हैं, हम ही जो है बेसिकली अलग अलग तरीके से हमारे रोल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। हम ही अगर हम ही अपने रोल्स को डिफाइन करें कि हम एक तरीके से हम अलग अलग रोल्स को निभा सकते हैं। हम कभी पेरेंट बनते हैं, कभी स्टूडेंट बनते हैं, किसी के लिए हम पेरेंट होते हैं तो किसी के लिए हम चाइल्ड होते हैं। अगर हमारे पेरेंट की नजर में अगर हम देखें तो हम उनके चाइल्ड है, मगर बच्चों की नजर में हम अपनी कौन है, हम उनके पेरेंट है। तो हम व्यक्ति तो एक ही है मगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन में हमारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग रोल्स हो सकते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स के लिए हमारे कर्तव्य अलग है तो हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ और करेंगे, और हम जिसके पेरेंट है हमारे बच्चों के लिए जो हम पेरेंट्स हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए कुछ अलग हो जाएगी। तो यहां पर कहने का ये मतलब है कि जब आप एक ही व्यक्ति हैं मगर आपकी अलग अलग सिचुएशन पे आप अलग अलग तरीके से बिहेव करोगे, मतलब सेम फंक्शन है
मगर वो अलग अलग बिहेव करेगा अलग अलग सिचुएशन में। अलग अलग सिचुएशन बोलने का मतलब है कि अगर रेंज फंक्शन में सर एक आर्गुमेंट पास करूंगा तो वो अलग तरीके से काम करेगा, अगर सर मैं दो आर्गुमेंट पास करूंगा तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, और सर मैं अगर तीन आर्गुमेंट पास करूंगा तो वो एक अलग तरीके से बिहेव करेगा। कभी भी पॉलीमोर्फिज्म का अगर एग्जाम्पल देने को आ जाए तो आप इसका ये दे सकते हो कि सर रेंज फंक्शन को हम तीन अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है अलग अलग रूप, जैसे होता है ना अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ के मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें जो जो है अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं किसी भी एक एंटिटी के, ठीक है ना। तो चलो अब हम बात करते हैं। अगर सर आप रेंज फंक्शन के अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट दोगे तो वो आर्ग्यूमेंट स्टॉप वैल्यू की तरह कंसिडर किया जाएगा कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ रुकना है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर मैं फॉर लूप पे जाऊं और ट्राई ड्यूअल सेल्फ पे जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम वेस्ट करके मैं कोड एडिटर में करूं। मुझे अगर कॉन्सेप्ट को प्रूफ करना है तो मैं डायरेक्टली भी कहाँ कर सकता हूँ, ट्राइड पे भी कर सकता हूँ। हमें तो अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, फटाफट करना है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, तो आप फटाफट आप ट्राइड पे कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर ये करना है कि मान लीजिए मुझे बोला गया है कि यार टर्मिनल पे आप 10 बार हाई लिख के बताओ, ठीक है ना। 10 बार मुझे काउंट दे दिया कि मुझे लूप कितनी बार चलाना है, 10 टाइम्स चलाना है। तो मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं इटरेशन कर सकता हूँ कितनी बार, 10 टाइम्स। तो चलो मैं पहला ये बताता हूँ कि रेंज के अंदर अगर मैं एक ही वैल्यू दूंगा तो वो वैल्यू कौन सी वैल्यू कंसिडर की जाएगी, स्टॉप वैल्यू कंसिडर की जाएगी। चलो देखते हैं यहाँ पर फॉर वेरिएबल इन सिंगुलर फॉर्मेट जो भी होगा। तो रेंज फंक्शन यहाँ पर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें एक सीक्वेंस रिटर्न करता है। रेंज हमें क्या करता है, एक सीक्वेंस रिटर्न करता है। अगर मैंने रेंज के अंदर यहाँ पर 10 लिख दिया तो ये रेंज फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ऐसा लिस्ट जो कि चलेगा कहां से, 0 से वो 10 तक ये चलेगा, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं इसके बारे में यहां पर देखूं कि अगर रेंज फंक्शन को मैं एक ही बार यूज करूंगा तो उसका मतलब क्या होता है, ये देखो ये स्टॉप वैल्यू। इन दिस एग्जांपल वी हैव कंकेटिनेटेड द रेंज ऑफ सीक्वेंस टू अ लिस्ट, ठीक है ना। सो अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स रिटर्न करता है। अगर मैं यहां पर W3C पे जाऊंगा और यहाँ पर पाइथन रेंज फंक्शन के बारे में देखूं, पाइथन रेंज फंक्शन के बारे में देखूं, ये रेंज फंक्शन आ रहा है, इसके बारे में यहां से पढ़े हैं, यहां से पढ़े हैं, द रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर मतलब 1 2 3 4, ये क्या है, सीक्वेंस है। सो रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर मैं कॉलिंग करते समय 10 भी लिखूंगा तो चलेगा कहां से, 0 से चलेगा। 0 से कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमें बात करनी है। सो रेंज फंक्शन क्या रिटर्न करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर, और वो नंबर की शुरुआत कहां से होगी, 0 से होगी। और अगर पहला फॉर्मेट देखूं, अगर मैंने यहां पर स्टॉप वैल्यू में 10 लिख दिया तो 0 से कहां तक चलेगा, 0 से 10 तक चलेगा। मगर हमें यहां पर इसकी थ्योरी पर थोड़ा और जाना है कि स्टॉप वैल्यू से पहले वो रुक जाएगा, इसकी थ्योरी में दिया है, एंड स्टॉप बिफोर दी स्पेसिफाइड नंबर। मतलब अगर मैंने यहां पर स्टॉप वैल्यू में 10 दे दिया तो पहली बात तो क्लियर हुई दिमाग में कि चलेगा कहां से, 0 से। थ्योरी के हिसाब से अगर हम अगर बात करें तो कहां तक चलेगा, वो वहां तक चलेगा जो इस जो नंबर हमने दे रखा है उससे एक कम, क्योंकि ये इंक्रीमेंट किससे करता है, बाय वन से इंक्रीमेंट करता। तो 0 से अगला इंक्रीमेंट 1 होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, करते 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 10 तक जाएगा कि 9 तक जाएगा, 9 तक जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में दे रखा है। सो रेंज फंक्शन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट स्टार्ट विद अ 0
एंड इट गोज अप टू द स्पेस अप टू अ नंबर लेस देन स्पेसिफाइड नंबर। सो यहां पर हमने देखा, तो चलो हम बात करते हैं यहीं से, अगर मैं इसको करूं ट्राइड पे करूं तो यहां पर टेक्निकली आप ये बोल सकते हो, टेक्निकली ये बोल सकते हो कि रेंज 10 किसके बराबर होगा, रेंज 10 किसके बराबर होगा, रेंज 10 इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू अ लिस्ट ऑफ कंटेनिंग सम नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टू द नंबर स्पेसिफाइड लेस देन 1। और ये लिस्ट आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो इसको यूं समझें कि रेंज फंक्शन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब मुझे नंबरों का समूह रखना है तो नंबरों का समूह या तो मैं लिस्ट में रख सकता हूं या फिर टपल में रख सकता हूं, ठीक है ना। इतना सा बस मान के चलेंगे कि सीक्वेंस ऑफ नंबर मिल रहे हैं, तो जनरली मैं टपल मान के चल रहा हूं कि ये रेंज फंक्शन टेक्निकली क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है जो कि आप इसको एक लिस्ट मान सकते हो और उस लिस्ट में कुछ नंबर्स का समूह होगा जो कि जीरो से चलते हुए आपको आगे बढ़ना है और उस नंबर तक आगे बढ़ना है जो आपने स्पेसिफाई कर रखा है, मगर उसमें वो स्पेसिफाइड नंबर नहीं होगा। अब अगर मैं इसका लूप चला दूं तो यहां पर मुझे एक फॉर्मूला पता है फॉर वेरिएबल इन लिस्ट। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना जीवन में हमेशा। एक और फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में बता रखा है फॉर वेरिएबल इन टपल स्टेटमेंट। एक और फॉर्मूला बता रखा है फॉर वेरिएबल इन स्ट्रिंग। ये मैंने सब बता रखे हैं, ये फॉर के अलग अलग सिंटेक्स है। फॉर वेरिएबल इन डिक्शनरी, फॉर वेरिएबल इन डिक्शनरी कॉलन स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है। सो एक और बच रहा है लास्ट वाला फॉर वेरिएबल इन सेट्स। अब डिक्शनरी और सेट में साथ साथ लिखता हूं क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट, मिलते जुलते अड़ोस पड़ोस में। तो सेट्स और डिक्शनरी को हमेशा मैं आसपास ही लिखता हूं क्योंकि मेरे को मेरा माइंडसेट वैसा बना हुआ है कि अनिल वो दोनों कर्ली ब्रेसेस है तो इनको एक साथ रखा कर तेरे को याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना। यूं नहीं है, अब ये टपल और लिस्ट दोनों में अड़ोस पड़ोस में ही रखता हूं क्योंकि एक स्क्वायर ब्रेकेट आता है तो एक का राउंड ब्रेकेट आता है, ये मिलते जुलते इनको मैं हमेशा कहां रखता हूं, साथ में रखता हूं। स्ट्रिंग का मैं इधर उधर कहीं पे भी रख देता हूं। तो ये मैंने अपने कुछ फॉर्मेट्स बना रखे हैं, आपको भी ऐसा प्रैक्टिकल कर करके इनको याद रखना चाहिए। ये पूरा ये बहुत काम का है, मैं इसको पीपीटी में कहीं ना कहीं आपके लिए ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिए, ठीक है। और समझ में आया, ठीक है। सो ये मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से इनको मेंशन कर दिया है। ये फॉर्मूले हमेशा याद रखें कि लूप हम किस पे चला सकते हैं सर, लूप हम किस पे चला सकते हैं सर, लूप आप किस पे चला सकते हो, लूप किस पे चला सकते हो,
लूप किस पे चला सकते हो, सेट्स पे, ठीक है ना। और हम अगर एक और देखें कि लूप हम फर्दर लूप हम किस पे चला सकते हैं, वार वेरिएबल इन, टेक्निकली देखा जाए तो हम किस पे चला सकते हैं, रेंज पे भी चला सकते हैं, स्टेटमेंट। समझ में आया? तो आज ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो रेंज क्या करता है, ये एक्चुअल में सीक्वेंस ऑफ नंबर ही रिटर्न करता है। तो मैं जनरली इसको रेंज को किससे कंसिडर रिप्लेस कर देता हूँ, लिस्ट से ही कर देता हूँ, क्योंकि ये रेंज एक फंक्शन है, ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और रिटर्न करते हुए क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट ही रिटर्न करता है। और एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि यार ये रेंज फंक्शन करता क्या है। तो ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो कि यार ये रेंज में मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने 10 ले लिया, क्या ले लिया, 10 ले लिया, देखते हैं ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ नंबर आ जाएंगे क्या, कुछ लिस्ट आएगी कि टपल आएगी। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ, ये रेंज ही दे रहा है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि रेंज जो है एक लिस्ट रिटर्न करता है, बस ये आप बोल सकते हो कि रेंज जो है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और वहां तक जाता है जहां जहां तक कि हमने स्पेसिफाइड नंबर जो स्पेसिफाई कर रखा है उससे जस्ट पहले वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो बस बात यही थी कि यहाँ पर मान लीजिए मुझे कंसोल पे हाय हेलो 10 बार लिख के बताओ पाइथन में, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें इटरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रेंज यूज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैंने किया फॉर वेरिएबल इन रेंज। अब रेंज के कितने रूप हैं, तीन रूप है, तीन अलग अलग फॉर्म है, उसके तीन अलग अलग फॉर्म है। जब एक ही चीज के एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मिनी, बहुत सारे रूप, ठीक है ना। और मॉर्फिज्म का मतलब होता है उसका फॉर्म्स, है ना। बहुत सारे फॉर्म्स अगर आ जाएं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि रेंज फंक्शन ही है हमारे पास, मगर उसके उस सेम फंक्शन के हमारे पास कितने फॉर्म्स हैं, कितने अलग अलग टाइप हैं, उसके तीन अलग अलग फॉर्म हैं, तीन अलग अलग रूप में आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट, अगर मैं एक सिंगल आर्गुमेंट में यूज करूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप वैल्यू, ठीक है ना। आप तो बस इतना देखो कि सर इसमें आर्गुमेंट आपने कितने पास कर रखे, एक ही पास कर रखा है, तो आपने पीपीटी में फॉर्मूला दे ही रखा है कि जब एक वैल्यू होगी तो सर आप उसको हमेशा हमें क्या कंसिडर करना है, स्टॉप वैल्यू, ठीक है ना। तो यहां पर हम गए 10 हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द रेंज डेफिनेशन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल गो अप टू द 10-1। सो 0 से 9 तक जाएगा तो होगा कितना, चलो 0 से चलो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे हाउ मेनी 10 टाइम्स, है ना। तो जितना, तो बात वही हो गई कि आप भले नंबर 10 लिखो तो इटरेशन चलेगा भी 10 टाइम्स ही, मगर वो इंटरनली कैसे चलेगा, 0 से 9 तक चलेगा। समझ में आई बात? तो बस यही अपने को करना है। अगर आपसे इंटरव्यू में बोल दिया कि यार 10 टाइम्स हेलो लिख के बताओ, अलग अलग तरीके से लिख के बताओ, अलग अलग तरीके से, तो पहला तरीका तो आपने रेंज का बता दिया। फिर मैं उसको बोल सकता हूँ कि सर एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका सर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर फॉर वेरिएबल इन मैं यहाँ पर क्या ले लू, लिस्ट ले लू, और यहाँ पर मैं क्या करवा दू सर, यहाँ पर मैं क्या करवा दू, हेलो की जगह हाय, और यहाँ पर मैं क्या करवा दू, मैं यहाँ पर वही करवा दूं, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हालांकि ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीका नहीं है, बट फिर भी इंटरव्यूअर वाला पूछ ले कि भैया आपको 10 टाइम्स लूप चलाना है, कितने अलग अलग तरीकों से आप वो लूप चला सकते हो, तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि सर सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है, रेंज फंक्शन यूज करो, उसमें ज्यादा हिडक नहीं लेनी है अपने को, सर रेंज एक बार आपने नंबर दे दिया वो उतनी बार लूप चल जाए। मगर आपने बोला है कि नहीं रेंज के अलावा और क्या कैसे कैसे कर सकता हूं, तो सर मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं फॉर वेरिएबल इन लिस्ट वाला फॉर्मूला ले लूंगा, और लिस्ट में कितने एलिमेंट ले लूंगा, 10 एलिमेंट ले लूंगा, ऑब्वियसली जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार लूप चलेगा। तो यहां पर ये मैंने लूप चला दिया, यहां पर ये हाय मेरा कितनी टाइम्स लिखा हुआ आ जाएगा, 10 टाइम्स लिखा हुआ जाएगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस लगा, अपने को तो लिस्ट में सिर्फ कितने एलिमेंट चाहिए, 10 चाहिए। ओ भली वो 10 आप कुछ भी ले हो, यहां पर मैं स्ट्रिंग ले लूं, यहां पर स्ट्रिंग ले लूं ए बी
बी सी है ना, समझ बात समझ में आ रही है, 1,1,1,1,1,1,1 बात समझ में आ रही है। तो लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतनी बार आपका लूप चलेगा। कहने की बात ये है, तो अगर मुझसे इंटरव्यू में किसी ने पूछा है कि यार आप लूप कितने अलग अलग टाइप से चला सकते हो, अगर मेरी कंपनी में कोई आए और बेसिक बेसिक पाइथन वाला आए, तो मैं तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि चलो आप लूप कितनी कितनी बार चला सकते हो, मुझे आपको कंसोल पे 10 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है। तो सब बच्चे रेंज ही बताएंगे, मगर उसके अलावा और आप क्या क्या कर सकते हो, तो रेंज बता दोगे तो गलत नहीं हो जाओगे, बिल्कुल सही हो गए, मगर कई बार कंपनी आप में थोड़ा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की भी कैपेबिलिटी सोचती है कि यार ये बंदा सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के नहीं आया है, ये कुछ अलग भी सोच सकता है ना। कई बार ऐसे ऐसे घुमा के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप और कैसे कर सकते, वो आपको रिप्रेजेंट करता है फिर क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस कि, क्योंकि ऐसा जनरली ऐसा लूप्स नहीं चलाते बट फिर भी काम हो रहा है, ठीक है ना। फिर और फिर वो बोलो कि सर आप है ना वो यूज कर लो, सर आप एक टपल यूज कर लो, समझ में आ रहा है, आप टपल यूज कर लो सर उसमें, इसमें मैंने लिख दिया है और यहां पर ये प्रिंट कर दिया, तो वो मेरा कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। इस बार मैंने सर लिस्ट यूज कर लिया, एक बार मैंने लिस्ट यूज कर लिया, एक बार मैंने टपल यूज कर लिया, एक बार मैंने डिक्शनरी यूज कर लिया, एक बार आप चाहें तो आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर वेरिएबल इन सेट प्रिंट, सेट में क्या आता है, सेट में सिर्फ की आती है, तो ये मान लो ये मेरी कीज हैं, और जनरली कीज को तो स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, तो इसको आप सेट में की नहीं आती है नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि सेट में सिर्फ वैल्यूज आती है ना, ये सिर्फ वैल्यूज मैंने लिख दिया। तो बताओ ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1,1,1,1 कौन क्या है, ये कौन सा डेटा टाइप है, सेट है, वेरी गुड। सो पाइथन में जाएंगे और ये कहाँ चले जाएंगे, पाइथन सेट में, और इसका ये फॉर्मूला देख लो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहली वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा, तीसरी वैल्यू, तो जो लूप होते हैं, जो पाइथन का जो फॉर लूप है, जो पाइथन का फॉर लूप किस किस पे चला सकते हो आप, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग पर। तो आपको प्रैक्टिकल कर करके देखना है कि सर आपने तो बोला था कि हेलो मैसेज लिखना है, मैंने देखो सर मैंने रेंज के थ्रू प्रिंट करवा के बता दिया, लिस्ट के थ्रू मैंने, टपल के थ्रू, सर मैंने किसके थ्रू प्रिंट करवा दिया, मैंने सेट के थ्रू प्रिंट करवा दिया। कॉन्सेप्ट एक है, छोटा सा टास्क है, मगर सारे डेटा टाइप का रिवीजन हो गया। आपको ये तक समझ में आ गया कि यार कौन सा डेटा टाइप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और किस किस पे लूप चल सकता है ना। क्वेश्चन छोटा सा है, क्वेश्चन ये है कि भाई हाउ यू कैन, हाउ मेनी वेज, अगर मैं यूं लिख दूं, हाउ मेनी वेज टू लूप हाउ मेनी वेज टू लूप फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से आप किसी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम पर आप लूप चला सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया 5 बार चलाना है, 5 बार कंसोल पे हाई लिख के बताओ, कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। सबसे बेस्ट तो रेंज ही है, मगर अलग अलग तरीके बोले गए हैं, तो फिर फटाफट अपन को ये सब बताने कि सर यहाँ पर मैं लिस्ट ले लूंगा, सर यहाँ पर मैं टपल ले लूंगा, डिक्शनरी, यहाँ पर मैंने सेट ले लिया। अब सेट लेने के साथ साथ यहाँ पर यहाँ पर स्ट्रिंग भी ले लेंगे, उसने क्या बोला 10 टाइम्स, सो स्ट्रिंग ले लिया, लिया कि नहीं लिया बताइए, गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। और कितनी बार बोला उसने, 10 टाइम्स, फॉर वेरिएबल इन स्ट्रिंग। अब मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करूंगा, फॉर वेरिएबल इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके बता रखे, सिंगल, डबल, ट्रिपल, डबल का ट्रिपल, सिंगल का ट्रिपल, ऐसे मैंने 4 फॉर्मेट बता रखे। जनरली डबल ही यूज करता हूं मैं, बट आपको पता होना चाहिए, यू आर वर्किंग इन साइड पाइथन, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट टू यूज द सिंगल कोटेशन दैट विल बी फाइन, डबल कोटेशन दैट विल बी फाइन, सिंगल ट्रिपल कोटेशन दैट विल बी ऑल्सो फाइन, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, डबल कोटेशन। अब आपको 10 टाइम्स चलाना है तो
स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट होता है, फॉर लूप में हर ब्लॉक का एक इटरेशन चलता है। तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई मेरी? 10। हर कैरेक्टर के लिए फॉर लूप उतनी बार इटरेट करेगा। तो यहां पर देखना गुड आफ्टरनून कितनी बार लिखा हुआ आ जाएगा। गुड आफ्टरनून 10 टाइम्स लिखा हुआ आ गया, गुड मॉर्निंग 1 ही बार लिखा हुआ आया, तो लूप चला नहीं क्या? तो फॉर सिंगुलर इन प्लूरल, अगर यहां पर ये 1 ही बार चला, वो रीजन ये है, ये गुड मॉर्निंग 1 ही बार क्यों चला? बिकॉज सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू सर नहीं हो सकती, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है, इसलिए वो आपने सोर्स कोड में तो सर आपने 1, 1, 1 लिख दिया सेट के अंदर, मगर वो इंटरनली एग्जीक्यूशन के टाइम पे उन सारी वैल्यू को कितना कंसीडर कर रहा है? सिर्फ 1 ही बार कंसीडर कर रहा है, तो 1 ही बार लूप चल रहा है। सर आप वैल्यू अलग अलग देखे, देखो देखो लफड़ा पड़ गया यहाँ पर। लफड़ा क्या पड़ गया कि गुड मॉर्निंग 1 ही बार लिखा हुआ है और सेट के अंदर सर आपने तो क्या दे रखा है, 10 वैल्यूज दे रखी है, मगर सर दिक्कत यह है कि सेट की डेफिनेशन में बोला गया है, अगर आप सेट की डेफिनेशन पे जाओ कि सेट की डेफिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से बोला गया है कि डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट, सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। सर आपने 1 ले लिया चलेगा, कॉमा 1 ले लिया नहीं चलेगा, वो सेकंड वैल्यू को डुप्लीकेट अलाउ करेगा ही नहीं, वो कंसीडर करेगा ही नहीं, भले ही आपने सोर्स कोड में लिख रखा है। तो इसको कैसे करेंगे फिर? फिर आपको सब वैल्यू अलग अलग लेके ले चलनी पड़ेगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखना गुड मॉर्निंग कितनी बार लिखा हुआ आएगा, 10 टाइम। तो देखो कॉन्सेप्ट छोटा सा है, मगर रिवीजन और अपने सारे फंडामेंटल्स अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएंगे। ये देखो हेलो को काउंट कर लेना, हाय को काउंट कर लेना, हे गुड मॉर्निंग को काउंट कर लेना, गुड इवनिंग को काउंट कर लेना, सभी लगभग कितने टाइम्स में आ रहे हैं? 10 टाइम्स आ रहे हैं। तो मुझसे पूछा ही गया था इंटरव्यू में कि हाउ मेनी वेज यू कैन लूप थ्रू फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी वेज यू कैन लूप फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आपको बोल दिया भैया 10 बार लूप चलाओ, तो कितने अलग अलग तरीकों से आप चला सकते हो। ये इंटरव्यू मेरी कंपनी में कोई अगर आएगा ना इंटरव्यू देने, तो भैया मैं तो पूछूंगा, यही पूछूंगा मैं तो कि भैया तेरा कितना थॉट प्रोसेस। तो चलो और कुछ बताए ना बताए सामने वाला, ये तो बताना ही चाहिए, अगर ये भी नहीं बता पाया तो कोई मतलब नहीं है उसको हायर करने से। वो तो अगर उसने ये बता दिया और उसके अलावा ये नहीं बता पाया, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई बात नहीं, मगर सामने वाले ने ये भी बता दिया और ये भी बता दिया, तो यार वो बंदे में कुछ स्पेशल बात है, उसको हायर करना पड़ेगा, वो उसके सोचने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, समझ में आ रहा है? तो कई बार कंपनीज वैसे हायरिंग प्रोसेस में वैसे दिखती है, कौन आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचता है कि यार एक काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। मेरी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया, किसी मॉड्यूल में फंस गए, तो आपकी सोचने की कैपेबिलिटी एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप सॉल्व करने की कैपेबिलिटी, तो ये हायरिंग प्रोसेस से इन छोटे छोटे असाइनमेंट से आइडिया लग जाता है, समझ में आ रहा है? तो कहने का ये मतलब है, तो स्ट्रिंग कर लिया, सेट कर लिया, सिमिलरली डिक्शनरी ले लेते हैं। तो डिक्शनरी में फॉर वेरिएबल, अब सेट लिया है तो यहां पर सेट के पड़ोस में ही ले लेता हूं, कौन सेट और डिक्शनरी दोनों मिलते जुलते होते हैं, वार इन डिक्शनरी कॉलन, और यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया गुड इवनिंग मैंने ले लिया, और यहां पर क्या आता है की कॉलन वैल्यू, है ना, की कॉलन वैल्यू आता है, कॉपी पेस्ट पेस्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में की डुप्लीकेट नहीं होती है, वैल्यू डुप्लीकेट ले सकते हो, जैसे एक को पहली की क्या है आपकी K1, तो ये की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, अगर एक को K1 बोल दिया है तो दूसरे को आप K1 दोबारा नहीं बोल सकते हो, भले वैल्यू सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी वैल्यू V1 है, इसकी भी वैल्यू V1 है, वो चलेगा, वैल्यू डुप्लीकेट चलेगा, मगर डिक्शनरी का की डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो अगर एक को K1 बोल दिया तो दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा, K2
के टू, तीसरे को क्या बोलना पड़ेगा के थ्री, सब अलग अलग होनी चाहिए, के फोर, के फाइव, के सिक्स, के सेवन, के एट, के नाइन, के टेन। रन किया, गुड इवनिंग, कितनी बार आया? तो मैंने किस कितने कितने तरीके से इटरेट करवा दिया, 1 2 3 4 5 6। और मैं चैलेंज दे रहा हूं कि अगर कोई बच्चा अगर सातवां तरीका भी निकाल के बता दे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी बहुत अच्छी तरीके से समझ होगी कि यार अपन फॉर लूप किस किस पे चला सकते हैं, ये आपको इस असाइनमेंट से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छी क्लास है कि नहीं आज की? बहुत ईमानदारी से मेरे को, दिल से मेरे को लग रहा है कि यार मैं, काश मैं खुद अनिल सर का स्टूडेंट होता तो मैं बहुत बड़ा फैन होता यार, क्या बता दिया यार सर, है ना? मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, मेरे को समझ में आ जाती है चीजें। तो आई थिंक आपको भी आना चाहिए कि यार कितना अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। इसको आप करना, क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा रखेंगे, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना? और ये बस ये आज की क्लास कर ली तो समझ लेना आपने सारे डेटा टाइप को रिवाइज कर लिया, और उनपे हम कैसे लूप का इटरेशन चला सकते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आज की क्लास में, ठीक है ना?